टीवी भारत, आवाज देश की। कैराना उपचुनाव में जीतने के लिए भाजपा ने पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शामली जनपद के आधा दर्जन गांवों में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने घूमकर भाजपा के लिए वोट मांगे। राणा ने कहा, विपक्षी उम्मीदवार राजनीतिक गिरगिट हैं, जो पल पल में रंग बदलते रहते हैं। राणा ने दावा किया कि कैराना में रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कैराना लोकसभा क्षेत्र में 28 मई को चुनाव के लिए मतदान होना है और चुनाव में सभी पार्टियों ने जीत के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। शामली जनपद के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में प्रदेश सरकार के गन्ना विकास औद्योगिक मंत्री सुरेश राणा ने नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के लिए वोट मांगे। सुरेश राणा ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता इस चुनाव में बड़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। राणा ने बताया कि केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और उत्तर प्रदेश सरकार के 13 महीनों के कार्यकाल के आधार पर वो लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज उन्हें विकास के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ आतंक का माहौल था, दुराचार का माहौल था, अत्याचार का माहौल था, पलायन का माहौल था और कैराना पलायन के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था, मैं कह सकता हूँ कि मात्र 13 महीने में आदरणीय योगी जी ने जो शासन उत्तर प्रदेश को दिया है उसी का परिणाम है कि आज यहाँ व्यापारी वापस आ गया है। व्यापारी व्यापार करते हुए मस्त है। आज बेटियाँ निडर होकर के स्कूल जा सकती हैं, आज किसान निडर होकर के अपने खेत में जा सकता है। एक आतंक का माहौल खत्म हुआ है और इस क्षेत्र में इस बात को लेकर के बड़ा उत्साह भी है और बड़ा इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता भी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लगातार जिस प्रकार का समाचार मिल रहा है, जिस प्रकार संपर्क में बातें आ रही हैं, बड़े मतों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। एपी टीवी भारत के लिए शामली से नासिर अली की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर